नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। पांकी से हमारे संवाददाता दिनेश कुमार मेहता की रिपोर्ट। आखिर कब पूरे होंगे पांकी अमानत बराज का निर्माण? बर्बाद हो रहा है करोड़ों का मशीन। नक्सली हमले के बाद 19 सालों से बंद है बराज का निर्माण। पांकी पलामू जिले के पांकी प्रखंड मुख्यालय स्थित अमानत बराज निर्माण कार्य 19 वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो सका। सूबे में प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जल संसाधन मंत्री रामचंद्र केसरी व स्थानीय विधायक सह भू राजस्व मंत्री रहे स्वर्गीय मधु सिंह की उपस्थिति में 2001 ईस्वी में बड़े ही जोशो खरोश के साथ पांकी अमानत बराज की आधारशिला रखी थी। लोगों के बीच बराज निर्माण को लेकर काफ़ी अरमान जगे थे। जलस्तर बढ़ने के आसार से लोग उत्साहित थे। बाद के बरसों में स्थानीय लोगों को निराशा ही हाथ लगी। बराज निर्माण में महज पुल व फाटक का निर्माण कर कार्य को बंद कर दिया गया। पांकी में अमानत बराज निर्माण कार्य करा रही दिल्ली की शेखर कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी को कई बार नक्सलियों ने नुकसान भी पहुंचाया। बावजूद बराज निर्माण कार्य के तहत पुल व गार्डवाल निर्माण पूरा कराया गया। बराज के भीतरी हिस्से के दोनों ओर बांध निर्माण कार्य अब भी अधूरा है। अमानत बराज से निर्माण कार्य स्थल के समीप स्थित बांध क्षेत्र में डूबे हुए हैं। इस संबंध में पांकी विधानसभा विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता का कहना है कि हम विधानसभा में इसके लिए आवाज़ उठाएंगे और जल्द ही बराज के अधूरे कार्य को पूरा करवाने का काम करेंगे, जिससे हमारे किसानों को चेहरों पर खुशहाली रहेगी और हमारे कार्यकाल में ये एक इतिहास के रूप में देखा जाएगा। किसान देश की शान है और यही परेशान है, यह बहुत ही दुख की बात है। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।